हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अच्छे अच्छे कामों में अच्छे से बिजी होंगे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे अपने करेले की बेल पे और तोरी की बेल पे। उससे पहले आपको कुछ मैं अपने गुड़हल के प्लांट दिखा रहा हूँ जिनमें ढेर सारे फूल लगे हुए हैं। तो सुबह सुबह वीडियो की शुरुआत हम खिले हुए फूलों के साथ कर रहे हैं। देखिए, आज मंदिर में चढ़ाने के लिए बहुत सारे फूल लगे हुए हैं। आज कम से कम हमारे इस प्लांट पे 10 फूल आए हुए हैं। इस समय हवा बहुत तेज चल रही है और काली घटाएं छाई हुई हैं। देखिए, चारों तरफ कुछ ही देर में बारिश बहुत तेज़ी से आने वाली है। और देखिए, ये मेरे इधर खेत का नज़ारा है। यहाँ पे बहुत पानी भरा हुआ है, पूरे खेत में पानी पानी भरा हुआ है। उधर भी देखिए, ये है इधर मेरा घर। जिधर है मेरे घर के पीछे एकदम खेती खेत हैं और यहाँ बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं, बहुत अच्छा लगता है। और इधर हमारा टेरेस गार्डन है, एक छोटा सा टेरेस गार्डन है। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। तो दोस्तों, ये हमारे देखिए, ये गमले में हमारी तोरी की बेल लगी हुई है। तो सॉरी, तोरी की बेल नहीं, करेले की बेल लगी हुई है। देखिए, इस पर ढेर सारे फ्लावर आ गए हैं, इन पर करेले बनने भी स्टार्ट हो जाएंगे कुछ ही दिनों में। और ये देखिए, अगर ऐसे ऐसे अगर आपको एक घास नज़र आए तो इनको हटा दीजिए आप। इनको हटाने के बाद आपको इसी में रखना है, क्योंकि ये हमारे एनर्जी जो प्लांट की होती है वो खींच लेते हैं। अगर इन्हें हम फेंक देंगे तो एनर्जी जो चली जाएगी, इसलिए इनको आप जब भी उखाड़ें और उसी में रख दिया करें। ये सूख जाएगा और फिर ये गल के डिकम्पोज हो जाएगा। तो चलिए आपको अपने तोरी की बेल दिखाता हूँ। ये देखिए, हमारी तोरी की बेल कहाँ तक पहुँच गई है। और इसने तो इधर पूरे को, जो हमने टब लगाया था, इसको पूरा घेर लिया है। और इधर भी हमने एक करेले की बेल लगा रखी है जिस पर ढेर सारे फ्लावर आए हुए हैं। और इस वाली बेल में तो करेले बनने भी स्टार्ट हो गए हैं। चलिए आपको दिखाता हूँ कुछ करेले। ये देखिए, ये देखिए, एक करेला बनना शुरू हो गया है। हमारी मेहनत सक्सेसफुल हो रही है। इसमें मैंने अभी तक ऑर्गेनिक ही चीज़ यूज की है। तो दोस्तों, आपको मैं बताऊंगा इसमें कौन सा फर्टिलाइज़र ऑर्गेनिक दे रहा हूँ, क्योंकि ये हमारे घर की सब्ज़ी तो हम ही को खानी है। तो इसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक ही यूज करेंगे। तो आप भी जब भी ऐसे घर में अगर कुछ सब्जियां लगा रहे हैं तो आप ऑर्गेनिक ही यूज किया करें। तो मैं एक वीडियो उस पर भी बनाऊंगा कि हम ऑर्गेनिक में क्या क्या देना होगा। और हमारे इधर जो आप तोरी की बेल देख रहे हैं, इस पर देखिए फ्लावर भी आने शुरू हो गए हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ, फोकस देखिए, उधर काफ़ी ऊंचाई पे है ये। देखिए, वो जो आपको दिख रहा है बर्ड, हाँ वही बर्ड पे ढेर सारे फ्लावर आएंगे और फिर तोरी लगनी शुरू होगी। दोस्तों, इसकी अपडेट आपको टाइम टाइम पे मिलती रहेगी। तो ये दोस्तों मेरा छोटा सा एक टेरेस गार्डन है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। तो दोस्तों, आप भी अपने घर पे एक छोटा सा टेरेस गार्डन ज़रूर बनाइए। इधर दोस्तों देखिए, हमने पुदीना लगाया था, तो ये हमारा पुदीना बहुत ही घना हो गया है। पूरे गमले से भी अब तो ये बाहर आने लग गया है।
और इधर हमारे कुछ प्लांट लगे हुए हैं। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कीजिए। फिर मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द। तब तक अपना ख्याल रखिए। गुड बाय।